हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस न्यूज़ को जानोगे तो आप खुशी से झूम जाओगे। अब आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है 100%, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान हुआ है जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइस, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है नीट यूजी 2022 स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी को पता है सीट मैट्रिक्स जो है बहुत पहले अनाउंस हो चुकी है और सीटों की संख्या भी बताई जा चुकी है, कितनी गवर्नमेंट सीटें हैं, कितनी प्राइवेट सीटें हैं। अब गाइस जो है आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि सीटें इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और सीटें कितनी इंक्रीज हो रही है, किन किन स्टेट्स में इंक्रीज हो रही है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूँ कि कहाँ कहाँ सीटें इंक्रीज हो रही है और कितनी सीटें इंक्रीज हो रही है और कितने न्यू कॉलेजेस सेटअप हो रहे हैं और कितने होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, तो गाइज़ मैंने डायरेक्टली न्यूज़ ही ओपन की है। हैदराबाद, द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑन सैटरडे इशूड ऑर्डर बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन 8 डिस्ट्रिक्ट, राजन्ना, सिरसिला, कमरेडी, विक्राबाद, खम्मम, करीमनगर और जयशंकर, भूपाले और कुमुरम्भीम एंड जनगांव के अंदर 100-100 सीटें हैं। टोटल कॉस्ट भी दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर टोटल सीटें दी गई है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कितना फंड जो है एलोकेट हुआ है इनके लिए। तो टोटल ये सीटें हैं गाइस जो कि आपकी न्यू आने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि एक यही स्टेट नहीं है। अगर आप राजस्थान स्टेट उठाएंगे तो राजस्थान के अंदर न्यू कॉलेजेस इस साल ही आपके स्टार्ट हो रहे हैं, 2 नए कॉलेजेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं इस साल, ठीक है। टोटल जो है 5 सेंक्शन है और 5 ईयर्स की मैं बात करूँ तो 16 कॉलेज सेंक्शन है राजस्थान के अंदर। उसके बाद गाइस, अगर मैं बात करूँ गुजरात स्टेट की, तो गुजरात स्टेट के अंदर भी 5 कॉलेज है जो कि सैंक्शन है। और अगर मैं बात करूँ पंजाब स्टेट की, तो पंजाब स्टेट में 16 कॉलेजेस सैंक्शन है, लेकिन जो 16 कॉलेजेस है वो अप टू 5 ईयर्स बोला जा रहा है, ठीक है। इस साल कौन सा नया कॉलेज ऐड हो रहा है, क्योंकि 2022 से 2023 का जो सेशन रहेगा जिसमें आप लोगों का एडमिशन होगा, आप लोगों को तो उन्हीं सीटों का बेनिफिट होगा जो कॉलेजेस अभी आपके न्यू ओपन हो रहे हैं और जिनकी सीटें बढ़ेगी। क्योंकि अब इस साल ही अगर कॉलेज ओपन होते हैं, सीटें बढ़ती है, तभी आपको जो है इफेक्ट पड़ेगा, कट ऑफ आपकी कम जाएगी। तो गए, जितनी ज़्यादा कॉलेजेज ओपन होंगे उतनी ज़्यादा सीटें बढ़ेगी और जितनी ज़्यादा सीटें बढ़ेगी उतनी ही कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। हाँ, ज़्यादा बेनिफिट जो होगा वो जिस स्टेट से स्टूडेंट बिलोंग करता है उनको होगा। वैसे तो सबको ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि MCC के थ्रू भी आप एडमिशन लेते हैं तो 15% रिजर्वेशन है, और कुछ कॉलेजेज है जिनकी 100% सीटों पर भी काउंसलिंग जो है MCC ही करवाती है, ठीक है। जैसे एम्स हो गया, जिपमर हो गया, BHU हो गया, AMU हो गया, और स्टेट की 15% सीटें हो गई, इन सब के ऊपर काउंसलिंग MCC ही करवाती है। और बाकी जो स्टेट कॉलेजेस है, बाकी रिमेनिंग, उनमें स्टेट कोटा काउंसलिंग होती है और 85% की काउंसलिंग जो है वो स्टेट अथॉरिटी करवाती है। इसलिए ज़्यादा बेनिफिट स्टेट वालों को होगा, अदरवाइज सब स्टूडेंट को 15% का बेनिफिट तो होने ही होने वाला है। तो गाइस, ये सीटें मतलब वैसे सैंक्शन हो चुकी है। अब आपकी ये सीटें सीट मैट्रिक्स में कब जारी होती है, कब ऐड की जाती है, वो डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मैं 2021 की बात करूं तो 2021 में कुछ कॉलेजेस की सीटें ऐड की गई थी, लेकिन कब ऐड की गई थी, उनका बेनिफिट राउंड 1 राउंड 2 के स्टूडेंट्स को नहीं मिला, उनका बेनिफिट मिला था मॉप अप राउंड के स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से काफ़ी कम मार्क्स वाले स्टूडेंट का एडमिशन हुआ और काफ़ी अच्छा कॉलेज उनको कम मार्क्स पर मिल गया, ठीक है। आप डेटा उठाकर देखेंगे, पूरी लिस्ट जो है वेबसाइट पर पड़ी है, या फिर आप मेरी
चैनल पर देख सकते हैं। तो गाइस आपकी बार भी अगर ऐसा होता है तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है, मतलब जिनके 300 टू 500 के बीच है, उनको ये बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि 500 से अबव वाले स्टूडेंट का तो राउंड वन राउंड टू में वैसे ही हो जाएगा। ठीक है गाइस, फिर भी अगर इन सबको लेकर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।